जी मैं हूँ फरहान जंजुआ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये जो एरिया है ये है लिटिगेशन का एरिया और मैं अब इसी के लिए ऊपर जा रहा हूँ और आप लोगों को इसकी प्रॉपर वीडियो जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो साथ रहें, इस आखिर तक देखें ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सी गलियाँ जो हैं वो हमारे लिटिगेशन के एरिया में मौजूद हैं। जी जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लिटिगेशन वाले एरिया में जा रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने जो है मैं ये पहाड़ी चढ़ रहा हूँ मेरे भाई, और नहायत ही ख़तरनाक एरिया है ये और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसी की अपडेट जो है वो मैं आप लोगों को देने के लिए ऊपर जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर और क्लियर पिक्चर मिल सके। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बेस लगा है, यहाँ पर लिखा है ANCH, यानी कि एंकरेज का शॉर्ट फॉर्म, नेवल का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि नेवल एनकरेज जो है वो एनकरेज ANCH के साथ इन्होंने दिया हुआ है। और ये है वो एरिया जहाँ जहाँ आपको ये पिलर नज़र आ रहे हैं, वहाँ वहाँ इन पिकेट्स के करीब करीब जितना भी एरिया है ये सारे का सारा एरिया क्लियर नहीं है, और ये सारे का सारा एरिया जो है वो इस वक्त नेवल की मलकियत है। जी बिल्कुल, आपका कब्ज़ा ज़रूर है, अलबत्ता जो मलकियत है वो नेवल की है, और यही वजह है कि हमारी डी के जो दोस्त हैं जिनमें D17, 19, 18, 20 वाली गलियां जो हैं ये इस एरिया में आनी हैं। वैसे बज़ाहिर ये एरिया नहायत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, बेहतरीन एरिया है। जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये वाकई ही एक शाहकार बन जाएगा, पर इस वक्त जो हालात हैं माजर के साथ, इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल लिटिगेशन में है। यहाँ पर जिन जिन दोस्तों की अहबाब की जो है वो प्लॉट्स हैं या फाइल्स हैं वो मज़ीद वेट करेंगे, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर अभी भी मामलात जो हैं वो प्रॉपर हल नहीं हो पा रहे। मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर मज़ीद जो है कितना टाइम लग सकता है, जो कि सुनना में आ रहा है। तो ये देखें जी, वो सामने जो है बहरिया कॉलेज है, सही है जी, और जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक नेवल जो है तबादला करना चाहती है और ये भी उससे तबादला करना चाहते हैं। अलबत्ता नेवल के कुछ ऐसे मामलात हैं माशाल्लाह जो कि ख़ास हैं, जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है एक अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नेवल से कॉलेज से लेकर नेवल एनकरेज के गेट तक, जी ये लोग चाहते हैं कि वो अप्रोच जो है इनको मिले। अब उस अप्रोच की वजह से ही जो है ये लोग सारे एरिए को इस वक्त रोका हुआ है, यानी कि पैचअप जो है वो नहीं बन पा रहा। जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि ये एरिया है, अगर ये क्लियर हो जाता है, अब सवाल ये उठता है कि जब ये क्लियर होगा तो इनमें जो स्ट्रीट्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है जी, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ओल्ड मैप के हवाले से तो ये मैं बता दूं यहाँ पर कि ये सारी की सारी गलियाँ डी वाली गलियाँ हैं। ठीक है जी, D17, 18, 19, 20, 21 तक की गलियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अलावा कि कुछ जो मैप आए थे फेक मैप जिनको हम कहते हैं, अगर उन पे जाएं तो ये जो एरिया है ये सारे का सारा एरिया जो है वो एफ ब्लॉक पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि F1, F2, F3, F4, F5 और एंड सो ऑन, ये F12 तक जो है गलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता जैसे कि हमारी मोहतरम MC के सबसे प्यारे भाई वाजिद भाई ने, जो जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या लड़ाइयों में मत पड़ें, उसकी वजह है कि हम आप लोगों के लिए आए हैं और आप लोगों को क्लियर करके देंगे। उनकी बात सुनते हैं तो उनके मुताबिक जो है ये सारे का सारा एरिया जो कि न्यू LOB में आ चुका है वो हर हाल में क्लियर ही होगा, उसको नहीं छेड़ सकता कोई बंदा भी, और अगर कुछ चेंजेस हुई तो वो मेंबर्स के साथ मिलकर बैठकर होंगी। जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ आप लोगों को इसकी बाउंड्री जहाँ जहाँ लग रही है उसका विज़िट कराने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि दोस्तों जहाँ पर इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार जो है वो हमें करना पड़ेगा। ये आपके सामने जो बाउंड्री वॉल लगी हुई है ये हमारी है जी, ठीक है, लगाई है नेवल ने, मतलब यहाँ से हदूदबंदी ख़त्म, मतलब शुरू होती है उनकी, ख़त्म होती है हमारी शुरू हो जाती है, तो ये सारा सिलसिला है जी। और ये है वो पिकेट जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, और अगर नीचे भी देख रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे इसको मज़ीद भी, तो ये वो सारे का सारा लिटिगेशन एरिया है जहाँ पर मैं इस वक्त टॉप पर खड़ा हूँ और आप लोगों को इसका नज़ारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे प्लॉट्स हैं तो उनको ये एक आगाही मिल जाए कि ये अभी प्लॉट की शक्ल में नहीं आए। जी बिल्कुल, ये है जी खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के सामने, ये वो पिकेट है इसके पास मैं खड़ा हूँ।
और ये देख रहे हैं आप लोग। और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा विजिबल करूँगा, ये मज़ीद पिकेट्स भी आप लोगों को नज़र आ जाएंगी। ये वो सारा एरिया जो कि इस वक्त लिटिगेशन में मौजूद है, और यही वजह है कि आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ बकायदा दिखाने के लिए। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि D17, 18, 19, 20 जो है वो इधर क्लियर हो रही है या हो चुकी है, तो उन तक ये कम्युनिकेट करना मकसद है कि फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही पैचअप बनेगा तो आपकी दिलअज़ीज़ MC जो है वो ज़रूर इसे क्लियर करेगी और आप लोगों को जो है इंशाअल्लाह एक अच्छा मौका देगी कि आप अपना घर वगैरह बना सकें। इस वक्त इस उम्मीद और आस के साथ कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग भी दुआ करें ताकि हमारे बहुत से मोहतरम दोस्त जो कि इस एरिए के मुंतज़िर हैं क्लियर होने पर, तो बिल्कुल वो इसे बेहतर तौर पर क्लियर तो देखें और अपने घर बनाएं। जी बिल्कुल, अपने घर बनाएं। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।